तस्वीरें फरीदाबाद के हाउसिंग बोर्ड की हैं, जहां विजिलेंस की टीम ने हाउसिंग बोर्ड में तैनात स्ट्रीट मैनेजर लाजवंती को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लाजवंती पर हाउसिंग बोर्ड के मकान की ट्रांसफर के एवज में 20,000 से 30,000 रुपए मांगने के आरोप लगे हैं। हाउसिंग बोर्ड का ऑफिस है जी, जहाँ लोटियों के कन्वेजिट वगैरह के काम होते हैं, तो उसके लिए लाजवंती मैडम है, वो अपॉइंट कर रखी है स्टेट मैनेजर। तो वो थोड़ा पैसे ज़्यादा मांगती थी, कुछ लोग दे देते थे कुछ नहीं देते थे। पिछले रिटायरमेंट होने के बाद दोबारा एडॉप पे लगी है, तब से ज़्यादा गदर मचा रखा है। तुमसे कितने पैसे की मांगी थी? कल मेरे से, मैं एक डीड के लिए परसों गया था, तो पहले मेरी 30,000 में बात हुई थी, लेकिन कल मुकर गई कि जी ऑर्डर आ गए हैं, जीपीए काम नहीं होगा, आप 50,000 दो। मेरी मजबूरी थी, मैं 50,000 में हाँ भर के आया। मुझे भी आज पैसे देने थे, लेकिन मेरे से पहले इन्होंने रेड पहले कुछ पैसे दे रखे थे आपने? मैं पहले बहुत सारे कामों के कई बार पैसे दे चुका हूँ। तो क्या रेड हैंड पकड़ी गई है? हाँ, रेड हैंड पकड़ी गई है। ये हर तरीके के मामले पैसे लेते, हाउसिंग बोर्ड में घुसने का मतलब पैसा, कोई भी काम बिना पैसे के वहाँ संभव नहीं। जितना समय हो गया ना इस काम, ये काफ़ी दिन से स्टेट में रहती है, उसके बाद रिटायर होने के बाद दोबारा ये। और भी कोई इनके साथ में सम्मिलित मिलता था, बेटा कोई घर में से, परिवार से, ऑफिस में से? हाँ, कोई इसके बेटों ने बाहर प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस खोला हुआ था, कोई भी डील आते थे उनके हैंड ओवर कर देते थे। डील किस तरीके से करते थे? ये के साथ पकड़ी गई आज? आज ये 25,000 के साथ। मेरे पास एक केस आया था, मेरा प्रॉपर्टी का काम है सेक्टर 23 का, मकान का, HIG का। तो मैडम के ही कहने पर वो केस सेटल किया। पहले हमने हाउसिंग बोर्ड के अकाउंट में उसके ड्यूज जमा कराए, तो उसको कराने में 4 से 5 महीने लग गए थे। तो परसों परले दिन मेरी मैडम से बात हुई थी, मैंने कहा मैडम ये आपके कारण लेट हुआ है, मेरा इसका काम कर दो। कहती मेरे जीपीए का काम बंद हो गया है। मैं कहा मैडम ऐसा थोड़ा ना होता है, कोई पार्टी को तो हमने पहले ही बोल दिया काम हो जाएगा। करिए अगर काम कराना है तो 1,00,000 रुपये लगेंगे, बिना उसके मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगी। मैंने कहा जी पार्टी 1,00,000 रुपये तो नहीं दे सकती? तो करिए 1,00,000 रुपये देगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। फरीदाबाद के सेक्टर 23 स्थित हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय में स्टेट मैनेजर के पद पर तैनात एक महिला कर्मचारी को जो है वो आज विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करा। और देखिए उसी समय विजिलेंस की टीम ने जो है वो पूरा जाल बिछाया गया और क्या कुछ पूरा मामला था, जो शिकायतकर्ता है, एक बार शिकायतकर्ता से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनको शिकायत मिली थी और क्या उन्होंने शिकायत दी थी। क्या नाम है? सुनील जग्गी। सुनील, क्या हुआ था भाई? हमारे साथ ये हुआ था कि हमारे से पैसे मांगे गए थे 30,000, तो कर आगे हमारे से 20,000 रुपये में सेटलमेंट हुई। तो हमने इसको बहुत रिक्वेस्ट करी, मैं कहा मैडम 10,000 ले लो, ख़त्म कर दो। तो ये बोलती है नहीं 20,000 रुपये। तो हमने जिस इसको 20,000 रुपये आज दिए, उससे पहले हमने विजिलेंस में इनकी रिपोर्ट कर दी। तो चीज़ के लिए एवज में मांग रही थी? एक डेथ केस में ट्रांसफ़र केस के लिए फाइल आई थी हमारे पास, मेरे फ्रेंड तिलक राज अरोड़ा के थ्रू उन्होंने मेरे को बोला था मेरी फाइल का अंदर काम करवा दो। मैंने कहा ठीक है। तो हम इसका काम करवाने अंदर गए थे, तो इसने हमारे से 20,000 रुपये मांगे, 30,000 मांगे, लेकिन 20,000 रुपये में सेटलमेंट हो गई थी। तो 20,000 रुपये आज लेते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई है। क्या नाम है इनका? लाजवंती गंभीर। लाजवंती गंभीर, हाँ जी, स्टेट मैनेजर है। हाँ जी। तो ये किस तरीके से ऐसे ही लगातार परेशान करते हैं सबको ये? हाँ जी, हर तरह यही। इसने बराबर वाला ही मकान अभी जस्ट लिया है, उसमें हमने अपना ऑफिस बना रखा है, इससे हमने किराए पे ले रखा है। जो 2-4 दिन पहले इसने उसका भी लॉक लगा दिया, अंदर से उसका भी लॉक लगा दिया, उसका भी अंदर से लॉक लगा दिया। ये नवीन है, नवीन आ जा। क्या नाम आपका? मेरा नाम नवीन नाम है जी। हमने मिल के ऑफिस बनाया था जी, मैडम ने हमसे बोला तुम मिल के ऑफिस बनाओ और मिल के काम करो, मैं अब लड़के को तुम्हारे साथ बिठा देती हूँ। इन्होंने जब 3-4 महीने हमने काम बढ़िया करा, इनको कमा के दिया, इन्होंने लगा हमारा ऑफिस चल पड़ा, तो हमें हमसे जानबूझ के लड़ाई करके और हमें ऑफिस से बाहर निकाल के ताला मार दिया। और अब लेडीज से, तो हम लेडीज से क्या बात करते। फिर हमने बोला मैडम काम धंधा जो चल रहा है हमारा चलना, तो क्यों परेशान करते हो? अरे नहीं नहीं जाओ, जिसे करना है तुम्हें करो। फिर अभी हमने बोला मैडम हमारी एक फाइल है तो इसको तो कर दो। तो पहले 10,000 से बात आई, फिर बोली 30,000 रुपये लूँगी, 40,000 रुपये लूँगी, हमें कर करा के मैडम बोला 20,000 देना मैडम कर लो। तो मैंने बोला चलो ले आना। फिर हमने बोला फिर ऐसे सामने जो हुआ आपके सामने। तो कहीं ना कहीं देखिए इनका साफ तौर से कहना है कि फिलहाल विजिलेंस की टीम ने उस महिला अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। लाजवंती नाम बताया जा रहा है, जो स्टेट मैनेजर हैं हाउसिंग बोर्ड के अंदर। और आज सुबह विजिलेंस की टीम ने पूरा जाल बिछा करके जो है वो 20,000 रुपये रंगे हाथों उनसे लेते हुए गिरफ्तार करा। और फिलहाल महिला के साथ जो है वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट बाकायदा नियुक्त किया गया था। और फिलहाल विजिलेंस विभाग की तरफ से पूरे तरीके से कार्रवाई की जा रही है कि किस तरीके से कितना कितना जो पैसा है ये इस तरीके से यहाँ पे लेती थी। तो फिलहाल विजिलेंस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी TV।